माननीय आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखे। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। और इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं, नए फेरबदल मंत्रिपरिषद का परिचय कराना चाहते हैं। हमारे आदिवासी सिविल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखे। माननीय सदस्यगण, इस सदन की परंपराएं उच्च रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस परंपराओं को न तोड़े तो उचित रहेगा। आप काफी लंबे समय शासन में रहे, इन परंपराओं को तोड़कर सदन की गरिमा को कम मत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री सर, मैं इतना ही अपील करता हूं सर, इट इज ए कस्टमरी एंड ट्रेडिशन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। After that, they have got all right to raise the issue. We folded hands. I appeal to them. Kindly allow the introduction by Honorable Prime Minister, New Council of Ministers. इस सदन की गरिमा को बनाए रखे मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं, नए फेरबदल मंत्रिपरिषद का परिचय कराना चाहते हैं। आपकी सदन की परंपरा और गरिमा को मत तोड़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं, खुशी होती। आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला, उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नव नियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए।